तो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम दीपक कुमार, आज आपके लिए नई बेहतरीन वीडियो। गाइस आज के वीडियो में इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे न्यू यूजर को पता नहीं होता कि अपना आय प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें। वो अप्लाई किए होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आय प्रमाण पत्र मैं डाउनलोड करके देखूँ मेरा आय प्रमाण पत्र बन चुका है नहीं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर OTP या मैसेज आ चुका है कि आपका आय प्रमाण पत्र पंजीयन नंबर आ चुका है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा आय प्रमाण पत्र बना है कि नहीं बना है, तो आप इजीली कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम इसी टॉपिक पे है कि आप अपना आय प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट देखते रहते हैं, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आप कैसे अपना आय प्रमाण पत्र देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार, आप देख रहे हैं इंटरेस्ट चैनल मैचिंग आप टेक। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस दें बेल आइकन, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लें। चलिए मैं आपको गूगल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करके आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पे MPE डिस्ट्रिक्ट आपको सर्च कर लेना है। MPE डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली MPE डिस्ट्रिक्ट, अगर आप MP देखना चाहते हैं MPE डिस्ट्रिक्ट लिख के आपको सिंपली सर्च कर लेना है। अगर आप UP देखना चाहते हैं UPE डिस्ट्रिक्ट आपको सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने आप देखते हैं यहाँ पे MPE डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल यहाँ से देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। सिंपली आपको फर्स्ट नंबर वहाँ पर वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ऑनलाइन सेवा हेतु यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बना तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं, अगर आपका अप्लाई किए हैं तो आप उसकी स्थिति जान सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पहले से आपका आधार आय प्रमाण पत्र बन चुका है इनकम सर्टिफिकेट, आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से RCM आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। चलिए मैं पहले से आवेदन किया था, मेरा वो नोटिफिकेशन आ चुका है मैसेज मोबाइल नंबर पर, मैं अप्लाई किया था, तो मैं उसे सिंपली यहां से डाउनलोड करना चाहता हूं अपना आय प्रमाण पत्र। तो मैं सिंपली यहां पे आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से अपना आय प्रमाण पत्र देखने हैं डाउनलोड करने के लिए, आपको सिंपली यहाँ पे पंजीयन क्रमांक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांच कर सकते हैं। अगर आपको अपना पंजीयन क्रमांक नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के भी अपना आय प्रमाण पत्र देख सकते हैं। मेरे को मेरा पंजीयन नंबर मोबाइल पर मैसेज के द्वारा आ चुका है। मैं सिंपली अपने पंजीयन नंबर से यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको। अगर आपको अपना आय प्रमाण पत्र पहले से ही बना हुआ, आप सिंपली डाउनलोड करना चाहते हैं अपना आय प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर पंजीयन नंबर पता होगा, आप सिंपली अपने पंजीयन नंबर यहाँ से फिल करें। अगर आप यहाँ अप्लाई किए थे तो आपके मोबाइल नंबर पर 24 से 48 घंटे के अंदर आपको मैसेज आया होगा। आपको सिंपली यहाँ पर अपना वो पंजीयन नंबर आपको यहाँ फिल कर लेना है। चलिए मैं अपना पंजीयन नंबर यहाँ फिल कर लेता हूँ। पंजीयन नंबर फिल करें, आप सिंपली यहाँ पर कैप्चर आपको नीचे देखने को मिलता है, आप सिंपली यहाँ पर कैप्चर कोड आपको डाल लेना है, सेम कैप्चर कोड डालना है जो आपको दिया रहेगा यहाँ पे, नहीं तो आपका गलत होगा तो नहीं लेगा। MP M4 UY आपको सिंपली कैप्चर समझना है, आप सिंपली यहाँ पर कैप्चर चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं कैप्चर कोड अपना पंजीयन क्रमांक डाल लिया हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको सामने ऐसा इंटरफेस देखने मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आवेदन की स्थिति, आवेदक का यहाँ से आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड पूरा जानकारी देख सकते हैं। आवेदन की पूरा दिनांक कब कब बना है, कब समय सीमा के आखिरी दिनांक कितना 24/9/2021 आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल आय प्रमाण पत्र अपना देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको स्क्रॉल करना है। आप देखते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र आदेश, आपको सिंपली 4 नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है, 4 नंबर पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे आप देखते हैं यहाँ पे मेरा डिजिटल प्रमाण पत्र बन चुका है। आप मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ अपना, यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ। चलिए मैं पहले फिलहाल से डाउनलोड कर लेता हूँ अपने मोबाइल में, फिर से मैं कंप्यूटर में अपना निकाल सकता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये आय प्रमाण पत्र डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा डिजिटल आय प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड हो चुका है। तो आप अपना इस वगैरह से अपना आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन बिल्कुल, जिससे हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो तक के लिए, बाय, जय हिंद।